क्या था कि सभी रह गए हैरान। जी हाँ, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर। आजी बर्मन बहुत बड़े कंपोजर आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है। आशा भोंसले के पति आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आपको बता दें उनके निधन के कुछ समय बाद आशा भोंसले और आजी बर्मन के सेक्रेटरी इन दोनों के बीच में बहुत घमासान युद्ध चला जो कि कोर्ट तक गया। युद्ध किस लिए? सिर्फ और सिर्फ आजी बर्मन की प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए। वहीं पर आजी बर्मन की प्रॉपर्टी तो सबके सामने आ गई, लेकिन आपको बता दें एक आजी बर्मन का था लॉकअप, जिस लॉकअप में क्या था कोई नहीं जानता था, लेकिन सब जानना चाहते थे कि आखिर आरडी आखिर समय में अपने लॉकअप में क्या छोड़ के गए हैं। और वहीं जब लॉकअप खुला सबके सामने तो सब रह गए दंग। आशा भोसले के भी उड़ गए होश कि ये बात तो मैं भी नहीं जानती थी कि आरडी ने अपने लॉकअप में ये रखा हुआ है, तो आखिर क्या रखा हुआ है। तो आज इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर आरडी बर्मन के लॉकअप में ऐसा क्या मिला कि सबके उड़ गए होश। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए लॉकअप में ऐसा क्या था। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और कंपोजर आरडी बर्मन के नाम से हर कोई वाकिफ है। उनके द्वारा गाए जाने वाले गाने आज भी दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। वहीं हिंदी सिनेमा में आरडी बर्मन का नाम महान संगीतकारों में गिना जाता है। इन्हें पंचम दा के नाम से भी पुकारा जाता था। 4 जनवरी 1994 में आरडी बर्मन के निधन के बाद उनकी प्रॉपर्टी को लेकर काफी विवाद हुआ था। ये विवाद था आरडी बर्मन की पत्नी और मशहूर सिंगर आशा भोसले और पंचम दा के सेक्रेटरी भारत के बीच। दोनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। मामला इतना बढ़ गया कि बात पुलिस तक पहुंच गई। आरडी बर्मन की प्रॉपर्टी के अलावा उनके एक बैंक लॉकर पर हर किसी की नजर थी, जो मुंबई के सांता क्रूज इलाके में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में था। आशा भोंसले और भरत दोनों को ही अंदाजा था कि इस लॉकर में भारी रकम होगी या फिर कोई ज्वेलरी। इसी वजह से दोनों प्रॉपर्टी की तरफ से इस लॉकर को पाने के लिए मजबूत दावे पेश किए। फिर 3 मई 1994 को बैंक के अधिकारियों ने आशा भोंसले और भरत के साथ साथ आरडी बर्मन के बहुत से रिश्तेदारों को बैंक में बुलाया और सबके सामने उस लॉकर को खोला। जैसे ही बैंक लॉकर खोला तो वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि आरडी बर्मन के उस बैंक लॉकर में सिर्फ 5 रुपए रखे हुए थे। इतने विवाद के बाद खुले लॉकर में मिले तो सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए। आपको बता दें भारत के मशहूर संगीतकार आरडी बर्मन को देश के सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक कंपोजर के तौर पर पहचान हासिल है। बर्मन को कई म्यूजिक विशेषज्ञों और फैंस द्वारा विलक्षण प्रतिभा का धनी माना जाता है। बेहद छोटी उम्र में म्यूजिक बनाने वाले आरडी बर्मन के पिता देश के मशहूर सिंगर और कंपोजर थे। वहीं एसडी बर्मन को फुटबॉल, पान और किशोर कुमार की कंपनी से लगाव था और उन्होंने अपने बेटे की प्रतिभा को बचपन से ही पहचान लिया था। यही कारण था कि आरडी को बचपन से ही संगीत की ट्रेनिंग मिली थी। बर्मन ने मुंबई में उस्ताद अली अकबर खान से सरोद की ट्रेनिंग ली थी, वही समाता प्रसाद से तबले की ट्रेनिंग। वो सलील चौधरी को भी अपना गुरु मानते थे। उन्होंने अपने पिता को भी असिस्ट किया हुआ था और वो खुद हारमोनियम बजवाया करते थे। बर्मन का जन्म 27 जून को हुआ। बर्मन के पश्चिम बंगाल में अपनी पढ़ाई की। उनके पिता मशहूर बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर थे। जब राहुल देव बर्मन 9 साल के थे तो उन्होंने अपना पहला गाना कंपोज किया था। इस गाने को उनके पिता ने साल 1956 में आई फिल्म फंटूश के लिए इस्तेमाल किया। मशहूर रेट्रो गाने सर जो तेरा चकराए की ट्यून को भी बर्मन ने ही कंपोज किया। इस ट्यून को साल 1957 में आई गुरदत्त की फिल्म प्यासा के लिए इस्तेमाल भी किया गया था। हालांकि साल 1958 में ही उन्होंने फिल्मों के गानों के लिए क्रेडिट मिलने लगा था।
इनमें साल 1958 में आई फिल्म चलती का नाम गाड़ी, कागज के फूल और बंदिनी जैसी फिल्में शामिल है। बर्मन ने अपने पिता के हिट सॉन्ग है अपना दिल तो आवारा है के लिए माउथ ऑर्गन भी बजाया था। वहीं आपको बता दें 1959 में बर्मन ने म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर फिल्म राज साइन की थी। इस फिल्म को मेहमान निर्देशक गुरुदत्त के असिस्टेंट निरंजन ने डायरेक्टर किया था। हालांकि ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई थी। एक स्वतंत्र म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर बर्मन की पहली फिल्म छोटे नवाब थी। इसके बाद तो मानो बर्मन हिट ही हो गए। कोई नहीं समझ पाया कि सिर्फ आर डी बर्मन के इतने बड़े करियर में उनके अकाउंट में 5 रुपए क्या कर रहे थे। आखिर वो 5 रुपए का सिक्का उनके बैंक लॉकर में क्या कर रहा था। बल्कि आशा भोंसले भी नहीं समझ पाई कि आखिर आरजे बर्मन के पास लॉकअप में 5 रुपए और ये सब दे के दंग रह गए। लेकिन ये बताने को आरजे बर्मन मौजूद नहीं थे कि आखिर उनके बैंक अकाउंट में 5 रुपए क्या कर रहे हैं। वो 5 रुपए किस चीज का प्रतीक है और ये बात और ये कॉन्ट्रोवर्सीज हर जगह फैल गई और मीडिया की लाइमलाइट में आ गए वो 5 रुपए। और हर कोई बस यही बात करने लगा कि आखिर ये 5 रुपए क्यों रखे गए हैं। वहीं आशा भोंसले को तो कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आपको बता दें आज की जनरेशन भी आर डी बर्मन की म्यूजिक की फैन है। आज की जनरेशन भी उनके ट्यून्स उनके गानों की फैन है। जी हाँ, 5 रुपए का सिक्का जिसके लिए आशा भोसले आर डी बर्मन का सेक्रेटरी कोर्ट तक पहुंच गया। उस लॉकअप में था सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए का सिक्का। आर डी बर्मन बहुत बड़े कंपोजर और वहीं पर आर डी बर्मन के कुछ गाने तो आज की जनरेशन को भी याद है। आज की जनरेशन भी उनको बहुत पसंद करती है। लेकिन जब वो 5 रुपए का सिक्का देखा गया तो सभी रह गए हैरान कि आखिर 5 रुपए का सिक्का लॉकअप में क्या कर रहा है। इसके पीछे का रहस्य आज तक नहीं खुला। कहते हैं कि वो उनका लकी सिक्का था। वहीं इसी के साथ वो लकी सिक्का उन्होंने वहाँ पे इसलिए संभाल के रखा था ताकि उनका लॉकअप हमेशा भरा रहे। इतनी प्रॉपर्टी और इतना पैसा छोड़ के तो वो चले गए, लेकिन साथ में 5 रुपए का सिक्का भी छोड़ गए और सभी रिलेटिव्स और वहीं आशा भोंसले सभी परिवार जन रह गए दंग। और ये खबर मीडिया पर भी बहुत ज्यादा फैली कि आर डी बर्मन के लॉकअप में मिले 5 रुपए, इतने बड़े कंपोजर के पास 5 रुपए। जी हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।